नमस्ते नमस्ते। अरे बेटिया कौन चाहिए? यहाँ कोई अमर बाबू रहते हैं? अमर बाबू जी, वो जो पुना के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, अमर कुमार सिंह। हाँ नहीं 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 नहीं, यहाँ कौन अमर अमर नहीं रहता मैम साहब, कोई नहीं नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, कौन अमर अमर नहीं रहता। हम ये अमर बाबू का घर नहीं? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। अरे का बात करत हो, ये हमारे बेटे से मिलने आई हैं। बेटा? कौन बेटा, किसका बेटा? हमारा मुन्ना। फालतू बात नहीं। तो फिर ये फोटो किसका है? हमारे मुन्ना का। देखिए, मैं और आपका बेटा साथ साथ पढ़ते हैं। इम्तिहान खत्म होने के बाद हम यहाँ साथ साथ आए हैं। आप जैसे सीधे साधे भोले भाले लोग झूठ बोलना चाहे तभी झूठ नहीं बोल सकते, तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखो वो झूठ तो अच्छा, ये बात बताओ, तो हर कॉलेज में अमीर के बच्चन के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और गरीब के बच्चन के नंबर कम कर दिए जाते हैं। ये आपसे किसने कहा? हमार मुन्ना ने। धोखेबाज, बेईमान, मक्कार, फ्रॉड, 420। हाँ हाँ, धोखेबाज, बेईमान, फ्रॉड, मक्कार, 420, ये सब कुछ हूँ मैं, लेकिन मुझे ये सब बनाया तुमने। अमर। हाँ आशा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे प्यार के लिए किया, तुम्हारे प्यार की दौलत पाने के लिए। प्यार के लिए धन दौलत नहीं चाहिए अमर, प्यार के लिए सच्चाई और एक दूसरे पर यकीन जरूरी होता है। बुलशिट, सच्चाई और यकीन। डू यू थिंक सनी बनाना कल डिडंट लव एंड ट्रस्ट ईच अदर? All you think Syrian Farad didn't love and trust each other? Of course they did. But kya hua unka? Nothing, zero. Kya unki shaadi ho saki? Nahin. Pata hai kyun? Kyunki unke beech mein bahut bada faasla tha. Dawat ka. Wahi jo aaj bhi maujood hai. Between the haves and the have-nots and the rich and the poor. Wahi faasla, wahi deewar, wahi khai. Woh aaj bhi maujood hai, Asha. Isliye maine tumse jhoot bola. Kyunki main nahi chahta tha ki mere afsane ka anjaam bhi wahi ho. तो उन लोगों का हुआ। ये तो आज तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन क्या क्या अगर तुम्हें पहले पता होता कि मैं किसी गरीब वॉचमैन का बेटा हूं तो क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार करती? हाँ हाँ, मैं तभी तुमसे प्यार करती। अमीर अक्सर इतने गरीब होते हैं कि उनके पास दौलत के सिवा कुछ नहीं होता। मेरे पास दौलत है मगर मेरे पास माँ बाप का प्यार नहीं है। यही प्यार मैं अपने सास ससुर से पाना चाहती हूँ। लेकिन लेकिन मुझे कैसे पता लगता आशा कि आज तक तुमने कभी बताया कि तुम किसी गरीब इंसान से भी प्यार कर सकती हो? मैंने तो तुम्हें देखा और तुमसे प्यार करने लगा, बस इसी बात का डर था कि सच्चाई जानने के बाद कहीं मैं तुम्हें खो ना बैठू। हाँ आशा, इसीलिए मैं तुमसे बार बार झूठ बोलता गया। नहीं अमर, तुमने सिर्फ प्यार के लिए झूठ नहीं बोला, तुमने अपने माँ बाप को छुपाने के लिए झूठ बोला था। तुमने अपने माँ बाप को इनकार कर दिया। जब तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हो तो कल मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हो। रुक जाओ आशा, आशा रुक जाओ, मेरी बात का यकीन करो वरना मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। आशा आशा, ये सच है, इसे झूठ मत समझना। मैं जा रहा हूँ आशा, जब तक तुम नीचे पहुंचोगी तब तक मेरी लाश नीचे पहुंच चुकी होगी। आशा आशा, मैं कूद रहा हूँ। मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। नहीं अमर, रुक जा। तो नहीं आशा, मुझे मत रोको आशा। आई डोंट वांट टू लिव, आई जस्ट डोंट वांट टू लिव। नहीं आशा, नहीं अमर, जीने का कोई मतलब नहीं है। आई जस्ट डोंट वांट टू लिव। मरने की कोई जरूरत नहीं अमर। कल तू इंटरव्यू के लिए गया था? हाँ गया था। क्या हुआ? वही जो इंटरव्यू में हमेशा होता है। तेरे बारे में उन्होंने कुछ पूछा कि नहीं? पूछा था। तूने क्या जवाब दिया? मैंने सब बता दिया था, मैं कौन हूं। झापड़ दूंगा तो जबान हलक से बाहर आ जाएगी। सच सच बता, तूने अपने बाप के बारे में क्या कहा? उन्होंने पूछा तेरे बाप का नाम क्या है। मैंने कह दिया सरजू नारायण सिंह। क्या तूने ये बताया कि सरजू नारायण कौन है? क्या बताता, क्या बताता सरजू नारायण के बारे में? वो कि जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी है कि मैं छाती ठोक के बोलता मेरा बाप ये है। तेरा बाप जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी नहीं,
लेकिन तू ये तो बोल सकता था कि तेरा बाप वॉचमैन सरजू नारायण है। ना उन्होंने पूछा ना मैंने बताया। हराम सादे, मैं तेरी जान ले लूंगा अगर झूठ बोला तो। कैसे बारह ने तुझसे ये नहीं पूछा था कि तू वॉचमैन सरजू नारायण का बेटा है? पूछा होगा, मुझे याद नहीं। पूछा होगा नहीं, पूछा था। अरे पूछा होगा, घबराहट में इसे ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा या बोल नहीं पाया होगा। ऐसे मौके पे तो अच्छे अच्छे को पसीना छूट जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था सरकार मेरी, बाकी सारे सवालों के जवाब इसने बगैर घबराए हुए बड़े इत्मीनान से दिए। फिर उन्होंने पूछा तेरे पिताजी का नाम क्या है, इसने कहा सरजू नारायण सिंह। फिर उन्होंने पूछा सरजू नारायण सिंह वही वॉचमैन या कोई और है, इसने कहा नहीं बहुत बड़े बिजनेसमैन है। क्यों रे, ये सच है का? मैं क्या करता, वो लोग बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे थे। तो ये कबूल करने में शर्म की का बात थी कि तू एक वॉचमैन का बेटा है? नहीं रश्मि, नहीं, ये इसे कबूल नहीं हो सकता और ना ही इसे ये कबूल करना चाहिए। जो हराम ज्यादा इसे पढ़ा रहा है वो एक बिजनेसमैन है। जो सारा हर महीने से पैसे भेजता है वो बिजनेसमैन है। जो कंबल किसके लिए कपड़े बनवा रहा है वो भी एक बिजनेसमैन है। और वही बिजनेसमैन इसका सारा खर्च उठा रहा है, इसके ऐश आराम का सारा सामान जुटा रहा है, इसकी हर जरूरत को पूरी कर रहा है। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, अगर वो हराम ज्यादा बिजनेसमैन तेरा बाप है तो ये कंबक वॉचमैन तेरा कौन है, तेरी माँ का यार? कादर तनब की जरा। अब मैं समझा लक्ष्मी, अब मैं समझा। जब मैं इससे कॉलेज में मिलने गया तो इसने मुझसे पूछा कि मैंने वॉचमैन से क्या कहा, मैंने वचानी से क्या कहा। बार बार पूछा इसने मुझसे। अब मेरी समझ में आया क्यों क्यों इसने मुझे वहां एक रात भी नहीं रुकने दिया, उसी दिन दूसरी बस से मुझे वापस भेज दिया। अब समझा मैं। इसने मुझे बताया कि गरीब और अनपढ़ मां बाप का बेटा होने की वजह से इसे नंबर कम मिलेंगे। मुन्ना, बता ये झूठ था ना? ए मुन्ना, बता ये झूठ था ना? अरे कम बता, 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 ये झूठ था। हाँ, हाँ ये झूठ था। क्यों? क्यों झूठ बोला तूने? क्योंकि क्योंकि मैं चीप हो जाता, मेरी इज्जत कम हो जाती। चीप हो जाता, इज्जत कम हो जाती। तेरा बाप वॉचमैन है कहने से तेरी इज्जत कम हो जाती। अरे क्या कर रहे हो तुम? सामान काय फेंके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं छोड़ो मुझे, शांत हो जाओ। मेरा सामान क्यों फेंक रहे हैं आप? मैं खुद चला जाता हूँ। अरे तो ले। नहीं मुन्ना, तू कहीं नहीं जाएगा। लक्ष्मी, मुन्ना जाने दो इसे, इसका असली चेहरा सामने आ गया। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। अब ये बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है ना, जाने दो इसे, जाने दो। बुजुर्ग कह गए कपूत पर भरोसा करने की बजाय नारियल के पेड़ पर भरोसा कर लेना, जो छाया देता है, पीने को पानी देता है, खाना देता है, और मरने के बाद अर्थी और चिता की लकड़ी बनकर काम आता है।
अरे ये नमक हराम हमें क्या देगा? इससे तो अच्छा था कितने पत्थर जला होता, कम से कम उस पर सर पटक कर अपनी किस्मत को कोस तो सकते थे।